बाद में वो जगह छोड़ो। हिंदी इसकी जिसने बनाई होगी वो ऐसे बनाई होगी, जब एथिल अल्कोहल को K2Cr2O7 के अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकृत कराया जाता है तो एसीटाल्डिहाइड बनता है, जिसका पुनः ऑक्सीकरण करने पर एसिटिक अम्ल बनता है। इतनी सी लाइन लिखनी थी। हाँ बस दो लिख रहे हैं उन्हें। दो अभिक्रियाएं हो रहे हैं, इसके बाद नया चैप्टर जो चालू करेंगे हम वो सेकंड लास्ट चैप्टर होगा। लगभग 8-8 दिन चलेगा वो, उसके बाद 8-8 दिन और चलेगा दूसरा वाला। केमिस्ट्री तुम्हारी खत्म हो सकता है दिसंबर में या जनवरी के पहले हफ्ते में खत्म हो जाए, लेकिन केमिस्ट्री खत्म होने का मतलब केमिस्ट्री का रिविजन नहीं चलेगा, केमिस्ट्री का अंत परिवर्तन चलेंगे। 15 नंबर के आते हैं अंत परिवर्तन, समझ गए जी? 15 नंबर के अंत परिवर्तन, जिसने लास्ट में घर बैठ गया, लास्ट में ट्यूशन छोड़ छोड़ कर भी आया ना, तो समझ लो 15 नंबर तो भूल जाए वो। 15 नंबर एक एक दो दो नंबर वाले से अलग से होते हैं वो, बाकी 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, 20 नंबर तुम्हारे, और 1 से 8 तक एक एक नंबर के वैसे हो जाते हैं वो, 5 से 8 तक। कुल मिला के 25-30 नंबर फ्री में आ जाते हैं केमिस्ट्री में, और 30 नंबर प्रैक्टिकल मिलकर 60 नंबर फर्स्ट बन के तैयार जाती है। उतारे हैं तभी तो यार कोई हेडिंग बनाई है, लिखते रहेंगे लिखते रहेंगे, आज मैं ये ना मिटाऊं ना तो पूरा दिन लिखते रहेंगे सीधे देख देख के। देखो जब टालुइन को ऑक्सीजन के साथ कोबाल्ट एसीटेट की उपस्थिति में अभिकृत कराया जाता है तो बेंजोइक अम्ल बनता है। ये बेंजोइक अम्ल बनाने की विधि थी। बाकी H2O वगैरह जो है वो निकल जाएंगे, कितने इतने H की जरूरत पड़ेगी। हाँ जी कोबाल्ट एसीटेट, ये तो है टालुइन, हिंदी लिख लो जो मैं बोल रहा हूँ। जब टालुइन को ऑक्सीजन के साथ कितने कार्बन की जरूरत पड़ रही है बैलेंस क्रिया करने के लिए। कोबाल्ट एसीटेट की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं तो बेंजोइक अम्ल बनता है। Thank you.
पहले परिभाषा लिख रहे हैं कि टॉलेंस अभिकर्मक कहते किसे हैं, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। पहले टॉलेंस अभिक्रिया नहीं है, टॉलेंस अभिकर्मक से क्रिया है। तो इसमें लिखेंगे सिल्वर नाइट्रेट के अमोनीकृत, सिल्वर नाइट्रेट के अमोनीकृत अमोनीकृत क्षारीय विलयन को, क्षारीय विलयन को टॉलेंस अभिकर्मक कहते हैं। टॉलेंस अभिकर्मक कहते हैं जब जब हाँ फर्स्ट भाग लेना है। देखो एक बार इधर देख लो, यह है टॉलेंस अभिकर्मक, इसके बाद आने वाला फेलिंग विलयन। दो अभिकर्मक होते हैं जिनका काम जो होता है वो एल्डिहाइड और कीटोन को पहचानना होता है। अगर हमें किसी दोनों लगभग एल्डिहाइड कीटोन दोनों सेम देखने उखने में सब एक से गुण प्रदर्शित करते हैं ना, जो अभिक्रिया एल्डिहाइड देता है वही कीटोन देता है ज्यादातर, तो इनमें देखने में पहचान नहीं पड़ पाती कौन सा एल्डिहाइड है कौन सा ये कीटोन है। तो टॉलेंस अभिकर्मक से उसकी क्रिया कराई जाती है। अगर वो टॉलेंस अभिकर्मक से क्रिया कर जाता है और रजत दर्पण बनाता है तो वो एल्डिहाइड है, और क्योंकि कीटोन जो होता है वो टॉलेंस अभिकर्मक से क्रिया नहीं करता। तो टॉलेंस अभिकर्मक अभिक्रिया इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन के परीक्षण में यूज की जाती है। अभी तुम कभी कभी तुमने देखा हो ना कि वो था सुक्रोज और उसका ग्लूकोज और सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज, उन दोनों के फॉर्मूले सेम होते थे जब हमने अल्कोहल वाले में करते थे कि C6H12O6 और C6H12O6, एक को हम ग्लूकोज लिख देते एक को फ्रक्टोज लिख देते, पहचान नहीं कर सकते ऐसा लगता है दोनों एक से फॉर्मूले हैं, लेकिन उनकी पहचान करते हैं कि इनमें एक एल्डिहाइड होता है कीटोन होता है, तो उसकी क्रिया टॉलेंस अभिकर्मक से करा देते हैं। जो कर जाता है वो एल्डिहाइड है, जो नहीं करता वो कीटोन होता है, समझ गए। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है, यही हाल फेलिंग विलयन में होता है। फेलिंग विलयन में जो क्रिया कर जाएगा वो एल्डिहाइड होगा, जो नहीं करेगा वो कीटोन होगा। तो परीक्षण करने के लिए जांच करने के लिए इनका यूज किया जाता है टॉलेंस अभिकर्मक का, यही बात लिख रहे हैं हम। जब एल्डिहाइड एल्डिहाइड की क्रिया टॉलेंस अभिकर्मक से कराई जाती है, जब एल्डिहाइड की क्रिया टॉलेंस अभिकर्मक से कराई जाती है कराई जाती है तो रजत दर्पण बनता है, रजत दर्पण बनता है। हाँ जी, ये होता है रजत दर्पण, चांदी को ही कहते हैं। ये होता है टॉलेंस अभिकर्मक। हाँ क्या लगता है, रजत दर्पण बनता है, फुल स्टॉप लगा देंगे। कीटोन यह परीक्षण नहीं देता है, कीटोन यह परीक्षण नहीं देता है। बैलेंस ही देख लेना इसके एक बार, कोई चीज कम बने ठीक है, थोड़ा उतारो।
हो गया, हेडिंग डालेंगे इसके बाद फेलिंग विलियन से क्रिया। लास्ट हेडिंग है इस चैप्टर का, फेलिंग विलियन सबसे क्रिया कराते हैं, जो कर जाते हैं वो ठीक है। इसमें लिखेंगे हेडिंग डालो जल्दी फटाफट, फेलिंग विलियन कैसे क्रिया ली एल्डिहाइड की, फेलिंग विलियन से क्रिया। इसमें लिखेंगे क्यूप्रिक आयनो के ये देखो, ये क्यूप्रिक आयनों के टार्ट्रेट आयनों के साथ बने संकर लवण जो पढ़े तुमने चैप्टर नंबर 8 में, संकर के क्षारीय विलयन को, संकर के क्षारीय विलयन को फेलिंग विलयन कहते हैं, क्षारीय विलयन को फेलिंग विलयन कहते हैं। फेलिंग विलयन कहते हैं जब जब फेलिंग विलयन की क्रिया एल्डिहाइड से कराई जाती है, फेलिंग विलयन से कराई जाती है तो क्यूपरस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है, लाल अवक्षेप प्राप्त होता है जो अवक्षेप प्राप्त होता है जो एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति को दर्शाता है, कीटोन यह परीक्षण नहीं देते हैं, देखो इधर, अब जरा ये है कोई एल्डिहाइड, इसकी क्रिया हम क्यूप्रिक आयनों के से बने क्षारीय लवण, ये लवण के क्षारीय विलयन से कराते हैं, इतना सारा ये फेलिंग विलयन होता है।
फेलिंग विलियन है। जब इसकी क्रिया एल्डिहाइड से कराते हैं ना तो क्यू प्लस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनता है, लाल अवक्षेप बनता है। बाकी आर के साथ में आर सी डबल ओ एन ए और जी निकाल दो जो भी चीज बच रही है। अब H2O हाँ जी बैलेंस कर लेंगे जरा कितने कितने एच हो रहे हैं। आर हाँ जी छः चार पाँच छः सही है ठीक है। और देख लो कोई कम तो ना है, उतार लो। सोडियम पे अभी इसके जस्ट बाद, अरे बोल दे करो यार आवाज आ रही है। एंड डालेंगे अमीन दरअसल इस चैप्टर का नाम इतना ना होगा, खाली अमीन भी होता है किसी किसी किताब में ना, तो अमीन के नाम से भी होता है। देखो अमीन क्या होता है, सुन लो भाई इधर, अरे सुन लो भाई अल्लाह की दुनिया में खोए हुए क्या होता है ये, अमोनिया है। अमोनिया से यदि अमोनिया से ऐसे बोलेंगे, यदि अमोनिया से एक हाइड्रोजन किसी एल्किल समूह या एरिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, ठीक है ना, एक हाइड्रोजन किसी एल्किल समूह से हो जाए मतलब आर से हो जाए या एआर से हो जाए, तो वह समूह या वह यौगिक जो बनता है ना वो एमीन कहलाता है। जैसा कि एक एच हटाओ, एक एच हटाएंगे तो यहाँ एच टू हो जाएगा, एक बंद खाली हो जाएगा, एक बंद खाली हो जाएगा, उसकी जगह हम आर जोड़ सकते हैं या उसकी जगह हम एआर जोड़ सकते हैं। बेंजीन हो सकता है या एल्किल समूह हो सकता है, ये दोनों ही एमीन कहलाएंगे। बात आती है इसके वर्गीकरण की, तो अगर एक एच हटाया है एक आर जोड़ा है तो वन डिग्री अमीन कहलाता है, दो एच हटा दो दो आर जोड़ दो तो टू डिग्री, और तीन एच हटा दो तीन आर जोड़ दो तो थ्री डिग्री अमीन कहलाएगा। अभी वर्गीकरण करेंगे बाद में, पहले अब इसका नाम करेंगे क्या लिखा था, पहले इसकी परिभाषा लिख रहे हैं अभी हम। इसका उदाहरण के बजे तुम बात करोगे तो इसमें तुम ऐसा कर सकते हो CH3NH2 और इसमें कर सकते हो ऐसे, ये तो हो जाएगा मैथिल एमीन, और ये ना बेंजीन एमीन बहुत सारे लोगों को दिमाग में आनी चाहिए लेकिन बेंजीन एमीन नहीं होता है, ये एनिलीन होता है, एनिलीन ठीक है ना जी। तो बेंजीन एमीन नहीं होता कभी, जैसे ये मैथिल एमीन सोच रहे हैं मैथिल एमीन ये एथिल एमीन, तो इसमें बेंजीन एमीन कहते हैं, एमीन नहीं होता है, फिर ये एनिलीन बोला जाता है, याद रखना यही नाम होता है, सामान्य नाम है इसका ही। तो जो मार्केट में जिस नाम से चल गया, आप तुम जैसे बोलो मैथिल को मैथिल क्यों करें या एथिल, तो किसी ने सबसे पहले जो नाम रखा होगा वही चल रहा है, यही ही चल रहा है। तो ये अब सब लिखेंगे बाद में, पहले उसकी परिभाषा लिख रहे हैं। जब अमोनिया से
जब अमोनिया से एक हाइड्रोजन, जब अमोनिया से एक हाइड्रोजन किसी एल्किल या एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, तो वह यौगिक, एमीन कहलाता है। जैसे ये लिख देंगे, लाखों की मशीनें बेकार हैं, एयरपोर्ट वाले सूंघ के बता देते हैं ऐसा करोना है ऐसा नहीं है। एमीन का वर्गीकरण और इसमें तुम लिखोगे एमीन को तीन वर्गों में बांटा गया है। नंबर वन है प्राथमिक एमीन, या 1 डिग्री एमीन, द्वितीयक एमीन या 2 डिग्री एमीन, तृतीय कैमीन या 3 डिग्री एमीन। सब डाल लो, पहले वाला एडिंग डाल दो। वे एमीन प्राथमिक में लिख रहे हैं, वे एमीन जिसमें अमोनिया से एक हाइड्रोजन, किसी एल्किल या एरिल समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है, वन डिग्री एमीन कहलाते हैं। देखो सर, 2 डिग्री में कैसे लिखोगे, वे एमीन जिसमें अमोनिया से दो हाइड्रोजन किसी दो एल्किल या दो एरिल समूह द्वारा विस्थापित हो जाते हैं, और इसमें तीन हाइड्रोजन, तीन एल्किल और एरिल द्वारा विस्थापन हो जाते हैं।
उसके बाद हम इनका नामकरण डाल देंगे, हम जो इनका नामकरण करेंगे। पहले ये सब परिभाषा लिख दो,